नमस्ते बंधुओं, आज हमारे चैनल के 1000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए हैं और टोटल व्यूज करीब 1.25 लाख हो गए हैं। दोस्तों, ऐसे मौके को ज्यादातर यूट्यूबर्स या तो केक काटकर सेलिब्रेट करते हैं या फिर अपने सब्सक्राइबर्स को कुछ देकर। लेकिन दोस्तों, मैं आपको कुछ देने नहीं आया हूँ, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। दोस्तों, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर मदद मांगता हूँ कि प्लीज मेरी माँ को बचा लो। आइए, मैं आपको अपनी माँ से मिलाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है मेरी माँ, यानी धरती माँ, भारत माँ। और ये मेरी ही नहीं, हम सबकी माँ है, क्योंकि इसी धरती पर हमने जन्म लिया और यही वो भारत माता है जिन्होंने हमें खाने के लिए बचपन से अभी तक भोजन दिया। आइए, मैं आपको दिखाता हूँ ये किस परेशानी से गुजर रही है। दोस्तों, मुझे ट्रेन से ट्रेवल करना बहुत ही पसंद है, खासकर स्लीपर नॉन एसी से। और ये वीडियो मैंने एक ट्रेन की खिड़की से बनाया है। हमने हमारी माँ की हालत ये कर दी है। हमारे दिन की शुरुआत होती है कूड़ा कचरा फैलाने से, और सुबह से लेकर रात तक हम हमारी भारत माँ के ऊपर ढेर सारा कूड़ा कचरा फैलाते रहते हैं। लेकिन माँ तो आखिर माँ है। माँ ने कहा कि बच्चों, तुम आनंद से भोजन करो, खाओ पियो, और इस कचरे को मैं हजम कर लूंगी। जैसे हम अगर फल खाकर कोई भी छिलका धरती पे फेंकते हैं तो वो बायोडिग्रेड हो जाता है और खाद में बदल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, और धरती माँ उसे हजम कर जाती है। लेकिन फिर हमने जन्म दिया एक ऐसे राक्षस को जिसका नाम है प्लास्टिक, और उसको जब हम धरती पे फेंकते हैं तो वो हजारों साल तक खत्म नहीं होता है, बल्कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता रहता है, जो कहलाते हैं माइक्रोप्लास्टिक्स, जो हवा में, धरती में और समुद्रों में धीरे धीरे जमा हो रहे हैं। समुद्री जीवों को तो ये नुकसान पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन हवा और हमारे खाने के द्वारा ये हम इंसानों के शरीर में भी जा रहे हैं। एक रिसर्च के अनुसार हर हफ्ते हम एक ATM कार्ड जितना प्लास्टिक खा जाते हैं, और ये प्लास्टिक हमारे शरीर में अलग अलग ऑर्गन्स जैसे किडनी, लीवर और फेफड़ों में जमा होता जा रहा है। अभी तक वैज्ञानिक ये पता नहीं लगा पाए हैं कि इस प्लास्टिक का हमारे शरीर में जाने पर क्या असर होगा, लेकिन ये तो निश्चित है कि वो असर कुछ अच्छा नहीं होगा। अकेले भारत देश में 10,000 टन, याद रखिएगा 1,000 किलो का 1 टन होता है, 10,000 टन प्लास्टिक कचरा भारत में रोज पैदा हो रहा है। और सबसे बड़ी समस्या है सिंगल यूज प्लास्टिक की, यानी जिसे हम एक बार काम में लेकर फेंक देते हैं, जैसे चॉकलेट या बिस्किट का रैपर हुआ, खाया और हमने प्लास्टिक को फेंक दिया। इसका दोबारा उपयोग खाने की पैकिंग में नहीं हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा इस प्लास्टिक कचरे को हम रिसाइकल कर सकते हैं। वैसे रिसाइकल इसके लिए गलत शब्द है, क्योंकि इसको वापस खाने की पैकिंग के लिए उपयोग में नहीं लिया जा सकता है, लेकिन इसे दूसरी चीजों जैसे टेबल या कुर्सी बनाने या रोड बनाने के काम में लिया जा सकता है। और रिसाइकल अगर नहीं किया तो ये पड़ा रहेगा जमीन में, लैंडफिल्स के अंदर, और वहां पर माइक्रोप्लास्टिक्स के रूप में छोटा छोटा होकर टूटता रहेगा और धरती को भी बंजर बनाएगा या फिर हमारे शरीर के अंदर वापस आएगा। याद रखिए, ये रिसाइकल तभी हो सकता है जब हम इसे उठाकर डस्टबिन में डालें और ये डस्टबिन से होता हुआ रिसाइकलिंग प्लांट तक पहुंचे। डस्टबिन में भी हमें गीला और सूखा कचरा अलग रखना पड़ेगा, वरना अगर प्लास्टिक के ऊपर कुछ गीला कचरा या गंदगी लगी होती है तो इसकी रिसाइकलिंग होना बहुत ही मुश्किल हो जाती है और फिर इसे फेंक दिया जाता है वापस धरती पे। चलिए ठीक है, मान लिया हम अपने घर में गीला और सूखा कचरा अच्छे से अलग करके रखते हैं और हमारा प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट तक चला गया, लेकिन उस कचरे का क्या जो रिसाइकलिंग प्लांट तक कभी ना पहुंच पाए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मुझे ट्रेन में ट्रेवल करना बहुत ही पसंद है, और ट्रेन में ट्रेवल करते समय मुझे ये देखकर बड़ा ही दुख हुआ कि ट्रेन की खिड़की से अगर हम कुछ कचरा प्लास्टिक फेंकते हैं तो वो गिरता है जंगलों की ऐसी धरती पर जहाँ से ट्रेन अक्सर गुजरा करती है, और वहाँ पर उस प्लास्टिक कचरे को उठाने वाला कोई भी नहीं है। ऐसे में वो हजारों साल तक धरती में पड़ा रहेगा। दोस्तों, भारत में रोज लगभग 2 करोड़ लोग ट्रेन से ट्रेवल करते हैं। चलिए मान लिया कि उसमें से 80% लोग समझदार हैं और ट्रेन की खिड़की से कचरा बाहर नहीं फेंकते हैं, लेकिन फिर भी अगर बचे हुए 20% लोग, जो कि 40 लाख होते हैं, अगर एक दिन में एक पानी की प्लास्टिक की बोतल भी ट्रेन की खिड़की से बाहर फेंकते हैं, जिसका वजन करीब 25 ग्राम होता है, तो ये हुआ करीब 100 टन कचरा जो कि ट्रेन से हर दिन बाहर फेंका जा रहा है। ये 100 टन कचरा हमारे देश के जंगलों की उस धरती पर फेंका जा रहा है जहाँ पर इसे उठाने कभी कोई नहीं आएगा। दोस्तों, इससे बचने के लिए मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है,
जिसमें मुझे आपकी भी सहायता चाहिए। मैं जब भी ट्रेन से ट्रेवल करता हूँ तो जो भी नॉन एसी ट्रेन के डिब्बे होते हैं जिनकी खिड़कियाँ खुली होती हैं, उन डिब्बों में जाकर मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लास्टिक कूड़ा कचरा खिड़की से बाहर ना फेंके, डस्टबिन में डालें। प्लास्टिक कूड़ा कचरा खिड़की से बाहर ना फेंके, डस्टबिन में डालें। और अगर मेरे ऐसा करने से धरती माँ के ऊपर एक प्लास्टिक की बोतल भी कम गिरेगी तो मैं उसे अपना सौभाग्य मानूंगा। करीब 10 घंटे की यात्रा में अपने 10 मिनट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दोस्तों मेरा ये प्रयास बहुत ही छोटा है और मैं अकेले इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसमें मुझे आप सबकी भी मदद चाहिए। अगर आप लोग भी ट्रेन से ट्रैवल करते हैं और अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी मेरा इसमें साथ दीजिए। तो आप भी अपने को पैसेंजर्स से रिक्वेस्ट करिए कि प्लास्टिक कूड़ा कचरा ट्रेन की खिड़की से बाहर ना फेंकें और उसे डस्टबिन में डालें, ताकि अगले स्टेशन पर वो डस्टबिन खाली हो जाए और प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट तक पहुंच जाए। लेकिन कई बार ट्रेन के सफाई कर्मी भी उस डस्टबिन के सारे कचरे को ट्रेन के दरवाजे से बाहर फेंक देते हैं। हमें उन पर भी नज़र रखनी होगी और उन्हें भी समझाना होगा। दोस्तों, हमें अपने को पैसेंजर्स से या सफाई कर्मियों से बिल्कुल भी झगड़ कर बात नहीं करनी है, बस हमें उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि प्लीज़ ये कचरा ट्रेन से बाहर रास्ते में ना फेंका जाए। और अगर आपको मेरे इस प्रयास में कोई कमी नज़र आती है या आपको लगता है कि इसको हम और अच्छी तरीके से कर सकते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि हम अपनी धरती माँ को बचाने के लिए और क्या कर सकते हैं। दोस्तों, रिसाइकलिंग इस समय का बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। हमें याद करना होगा हमारे उस पुराने कल्चर को, जिसमें हम कोई भी पार्टी या सेलिब्रेशन करते थे तो पत्ते के बने हुए पत्तल और दोनों में खाना खाते थे, और आज हम प्लास्टिक की प्लेटें, प्लास्टिक के चम्मच, यही सब यूज में ले रहे हैं, और हर जगह पैकेजिंग भी प्लास्टिक से होने लगी है। आज हम अपने घर के जिस बच्चे का जन्मदिन प्लास्टिक के बर्तनों में खाना परोसकर मना रहे हैं, हम ये भूल जाते हैं कि उसी बच्चे को हम एक इतना बड़ा राक्षस गिफ्ट करके जा रहे हैं, जिससे वो अपने जीवन भर लड़ता रहेगा, और यही प्लास्टिक रूपी राक्षस आने वाले समय में एक और महामारी का कारण भी बन सकता है। हमारी धरती माँ, जो भगवान को भी अति प्रिय है, जहाँ जन्म लेने के लिए भगवान भी हमेशा आतुर रहते हैं, उसी धरती माँ को हम दिन रात प्लास्टिक रूपी राक्षस से प्रदूषित कर रहे हैं। यही वो धरती माँ है जो बचपन से हमारा पालन पोषण कर रही है। वरना आप बताइए कि इस ब्रह्मांड में और कौन सा ग्रह है जहाँ पर हम इतने आनंद से रह सकते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिक प्लास्टिक का विकल्प ढूंढ रहे हैं, लेकिन तब तक हम कुछ छोटे छोटे प्रयास कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक कचरे को इधर उधर ना फेंकें और डस्टबिन में डालें, जिससे कि वो रिसाइकल प्लांट तक पहुंच पाए। और हम सिंगल यूज प्लास्टिक को अवॉइड कर सकते हैं, जैसे कि जब हम फल या सब्जी लेने जाएं तो अपना खुद का थैला लेकर जाएं, और प्लास्टिक की कटोरी प्लेट काम में लेने की जगह हमारे ट्रेडिशनल पत्तल दोने काम में लें। दोस्तों, हम सबको मिलकर कुछ तो ऐसे प्रयास करने होंगे जिससे हम अपनी धरती माँ को और आने वाली जनरेशंस को बचा सकें। अगर आपके पास भी कोई अच्छा सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और क्योंकि धरती माँ हम सबकी माँ है, तो जैसा मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा था कि प्लीज़ मेरी माँ को बचा लो, मैं उस लाइन को ठीक करके आपसे कहता हूँ कि चलिए हम सब मिलकर हमारी माँ को बचाते हैं। जय हिंद।